दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ YouTube से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। गाइस अगर आप YouTube वीडियो यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आप यहाँ पर अपने वॉइस को बहुत ही अच्छा कैसे करें और अपने वॉइस को सुचेबल कैसे बनाएं, ताकि सुनने में अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, आपकी वॉइस अच्छी नहीं रहेगी तो आपके वीडियो को कोई सुनेगा नहीं और चला जाएगा वीडियो को छोड़कर। तो गाइस आपकी वॉइस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो वॉइस को अच्छा करने के लिए आप यार बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। मेरा नाम है प्रशांत और आप सब देख रहे हैं प्रशांत जी। आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों वॉइस को अच्छी करने के लिए यहाँ पर आपको कई बातों का यहाँ पर ध्यान देना होता है। उसमें सबसे पहले तो आपका ये यहाँ पर आपको एक माइक लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक माइक आप ले लीजिए ताकि आप अपने वॉइस को बहुत ही अच्छा ले सकें। गाइस यहाँ पर माइक आप सस्ता भी ले सकते हैं, सबसे गाइस बहुत ही बढ़िया माइक यहाँ पर बोया का अमाउंट माइक आता है, आप 700-800 रुपये का मिलता है। आप यहाँ से ले लीजिए, उसे यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया माइक है। जितने भी यूट्यूबर होते हैं यहाँ पर, जितने भी बिगनर्स यूट्यूबर्स होते हैं, सभी यहाँ पर उसी माइक का इस्तेमाल करते हैं। चाहे उसे आप कैमरा में यूज करिए, चाहे मोबाइल फोन में, हर जगह आप उसे कम आराम से यूज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आप उसको भी ना ले सके, माइक को भी ना ले सके, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके उसके लिए गाइस आपके पास दो स्मार्टफोन होना चाहिए, मतलब एक से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, एक से ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो गाइस यहाँ पर अपना एक रिकॉर्डर जो होता है मोबाइल का, उसको आप चालू कर लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, अपने इसे बगल में कहीं रख लीजिए, ताकि आपकी आवाज़ एकदम यहाँ पर आ जाए। तो गाइस इस प्रकार से अपना एकदम ऑडियो इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद जब आप जैसे एडिट करते हैं काइन मास्टर में, तो वहाँ पर उसको ऑडियो को रिमूव करके ये ऑडियो आपको वहाँ पर जोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये इस वाले ऑडियो क्वालिटी में, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, जो कि आप वहाँ पर कैमरे से उससे बेहतर रहेगी ये वाली ऑडियो। ये एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद गाइस एक माइक जो आप यूज करते हैं, माइक को आप एकदम अपने पास लगाइए, एकदम ऐसे ऊपर अपने से लगा लीजिए, या वहाँ पर दिखाई ना दे, या तो अपने कॉलर पर लगा लीजिए, ताकि आपका यहाँ पर बढ़िया सा आवाज आ सके। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक बात यहाँ पर और ध्यान देनी चाहिए आपको, यहाँ पर आपके जो भी रूम में आप यहाँ पर वीडियो बनाते हो, यहाँ पर इको आना क्रिएट हो, इको ना आए, इसके लिए क्या होता है, एक इको बोर्ड आता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हैं। माइक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस इको क्या होता है, इको जो इको बुक होता है यहाँ पर, इसको क्या करते हैं यहाँ पर दीवार पे लगा लेते हैं, तो क्या होता है आपका इको नहीं आता है, तो मतलब जो दंदनाहट होती है वो नहीं आता है। या आप क्या करिएगा, आप इको बोर्ड नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, रूम को भर दीजिए चारों तरफ से, मतलब नीचे आप दरी बिछा दीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर अपने अगल बगल मतलब कपड़े उपड़े रख लीजिए, हैंगर बना के कपड़े टांग दीजिए, इससे आपका इको क्रिएट नहीं होगा, मतलब कमरा आपका भरा भरा रहना चाहिए, तो आपका यहाँ पर इको क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मेरे रूम पर यहाँ पर कोई भी इको बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ना ही मैं माइक का यूज़ करता हूँ, मैं सिंपली मोबाइल से जो ही माइक होता है उसी का मैं यूज़ करता हूँ। तब भी आप देखिए मेरे वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे कमरे में एकदम चारों तरफ भरा भरा रहता है, क्योंकि मैं रूम लेकर रहता हूँ, वहाँ पर एक ही रूम है, वहाँ पर वैसे जाहिर सी बात है अगर एक ही रूम में रहना है तो आपको कमरा आपका भरा भरा ही रहेगा, कॉपी किताब बिस्तर कपड़ा जितना रहता है सब एक ही कमरे में है। तो गाइस इस प्रकार आप अपने ऑडियो क्वालिटी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद अपने ऑडियो क्वालिटी को और अच्छी तरह से आप थोड़ा सा ऑडियो में भी एडिट कर, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, ऑडियो में भी तीन प्रकार की एडिटिंग होती है, वहाँ से आप अपने इसको जो भी बैक नॉइज होती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, वॉइस को थोड़ा सा अगर धीमा आ रहा है तो वॉइस को तेज कर सकते हैं, ये सब आप आराम से करके अपनी वॉइस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अगर गाइस ये सब आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वॉइस टाइमर बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वीडियो आपकी बहुत ही मतलब ज़्यादा चलेगी, वीडियो ज़्यादा देर तक लोग देखेंगे, वीडियो पर ज़्यादा देर तक वॉच करेंगे, वॉच टाइम आपका इंक्रीज होगा, चैनल ग्रो करेगा, उसके बाद बहुत ही बढ़िया फील होगा। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एकदम जान लीजिए, फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड होगा। आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और देखते रहिए हमारे इसी चैनल को, ताकि बेल आइकन को नहीं देगा, बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पर ऐसे बढ़िया रिलेटेड यहाँ पर वीडियो टेक्निकल रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यहाँ पर अपडेट वहाँ पर आपको हमेशा मिलते रहते हैं। बस फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।